नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं आपके साथ कनक झा। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज बियॉन्ड 3 के संस्थापक स्वामी आनंद ने बल्लभ भवन में एक कैंप लगाया। बियॉन्ड 3 लोगों को दवाई मुक्त और पीड़ा मुक्ति के लिए तो कार्य करता ही है, लेकिन उसके साथ में पीड़ितों को या पीड़ित जो कमजोर है, जो पीड़ा दिखाई नहीं सकते, उनके बीच में जाके उनकी पीड़ा भी दूर करने का काम करना है। जो आनंद जी के बारे में बताया है, आइए हम सुनते हैं उन्हीं के जवान से आनंद जी के बारे में क्या क्या बताया है। आनंद जी किस तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं? हाँ, नोन में किसी ने दिखाया था तो उनके थ्रू पता चला, मम्मी ने बताया था। क्या बीमारी थी आपको, क्या हुआ आपको, किस वजह से आप आए थे? आई साइट चेकअप के लिए आई थी मैं। इन्होंने आपको किया कुछ? हाँ जी, आई साइट नसें दबाई हैं। अभी तो 3 दिन का है ना, तो 2 दिन और आना है। अभी फिलहाल क्या आराम मिला, कुछ ऐसा महसूस हुआ या क्या? अभी तो आई साइट में नहीं, ऐसे पता चल रहा, वो कह रहे हैं 3 दिन लग ही जाएंगे। 3 दिन तो आने पड़ेगा। हाँ, मेरे घुटने में पेन थी, मैं गिर गई थी, अंदर से मांस फटा हुआ था, तो उसकी मुझे पट्टी नहीं बांधनी पड़ी। और पैर में सूजन थी, वो भी मेरी ठीक हो गई। जब फर्स्ट टाइम इनके पास गई थी, इन्होंने मुझे कहा था कि आप पट्टी मत बांधना। और जब मैं फर्स्ट टाइम इनके पास होकर अपने घर आ रही थी, मैं रास्ते में जो भी डस्टबिन मिला था घुटने की और पैर की पट्टी को वहीं थ्रो कराई, और उसके बाद मैंने पट्टी नहीं बांधी है। मुझे अब 15 से 22 दिन हो गए हैं, मैं ठीक। मेरे को 50% रिलीफ है। नी पेन था, मैं चल नहीं पा रही थी, आज तो बेटर है काफ़ी, मैं चल रही हूँ इजीली, मैं मूव नहीं कर सकती थी। इन्होंने कोई दवा वगैरह दी आपको? नहीं, सिर्फ नस दबाई है, नथिंग, कुछ भी नहीं। और बिल्कुल आराम है आपको? हाँ। किसी के माध्यम से आया हूँ मैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनको तकलीफ थी, उस तकलीफ का इनके साथ जुड़ने से उनको बहुत आराम मिला, तो उन्होंने हमें बताया कि उनको बहुत आराम है। तो हमने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप उनसे मिलो, उनको दिखाओ, तो आपको भी आराम मिलेगा। तो हम गए, उसके बाद 3 दिन हमने स्वामी जी के कहने से जैसे उन्होंने बताया वैसे डाइट चार्ट और एक्सरसाइज बताई, तो उससे हमें बहुत आराम मिला। और हमारी कोशिश है कि हम और भी लोगों को साथ, जिनको प्रॉब्लम है तो जुड़े, और जिससे दुख तकलीफ शरीर में जो भी परेशानी है, बीमारी है, उसका निवारण हो। देखो, स्वामी जी ने दवा वगैरह दी आपको? नहीं, दवाइयों के लिए बिल्कुल मना करते हैं कि दवाई तो छोड़ दो, एक्सरसाइज, डाइट, और वो जो अपने हिसाब से चेक करते हैं, देखते हैं, और कुछ उनके हाथ में क्या शफा है, क्या है, वो चेक करके वो बताते हैं, तो उसमें ठीक हो जाता है, बहुत आराम मिलता है। मैं महाराज जी के पहले से लिंक में नहीं था, पर अभी यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ जितने लोग आए हैं, एक तो पैरालिसिस का पेशेंट था मेरे सामने, वो छड़ी और अपने 2 आदमियों से पकड़ के आए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अपने आप ही चल के गए हैं मेरे सामने। और 1-2 पेशेंट और आए हुए थे जो हमारे नोन थे, वो कहते हम तो 99% ठीक है। उनमें से 1-2 बंदे हैं यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि हम 99% ठीक है। मेरे जीजा जी को पैरालिसिस हुआ है, तो मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी ये बंदे को ठीक कर देते हैं। तो मैं कल भी इनकी क्लास है, कल बुलाऊंगा उनको यहाँ पर। अभी इनको दिखाया था, इमीडिएटली लगा, दिखाते ही मतलब इफेक्ट कम से कम 50% तो पड़ गया। और 3 सीटिंग कर रही है हमने, और 3 सीटिंग के बाद कहते हैं जी फर्क पड़ेगा, बाकी परहेज करना बहुत जरूरी है आगे के लिए, फर्दर फ्यूचर। ये कोई दवा वगैरह दी आपको? नहीं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, केवल नसों का। तो आप जो 3 सीटिंग के लिए बताया, 3 सीटिंग लेंगे? हाँ, 3 सीटिंग यही होंगी,
फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और ये हमारी पुष्टि बरगार संस्था ने किया, पुष्टि संस्था जो है हमारी, तो उन्होंने किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया ये हमारा, तो आगे जो आगे प्रोग्राम होगा फिर हम बताते रहेंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।